Hello students, welcome back. Today we are going to discuss energy in combination of capacitors. हमने previous class जो है उसके अंदर combination of capacitors discuss किया था and after that we derived the formula for energy stored in a capacitor. हमने capacitor में stored energy जो है उसके लिए formula derive किया था. तो अब हम discuss करेंगे कि जब हम कैपेसिटर्स का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो एनर्जी जो है उन कैपेसिटर्स में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो जो एनर्जी है वो किस टर्म में स्टोर होगी, यानी उनके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास. तो फर्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं एनर्जी डेंसिटी. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये हम फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके हैं, यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर. U energy stored, C capacitance of the capacitor and V is the electric potential of the capacitor. And we know that C equals to epsilon naught A by D. Parallel plate capacitor जो है उसके लिए हम ये formula derive कर चुके हैं capacitance के लिए and it is for vacuum between the plates. V equals to E into D. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन था वो भी हम प्रीवियस चैप्टर जो था उसमें डिराइव कर चुके हैं. ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो U इक्वल्स टू हमारे पास होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और V स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर. डी यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा, देन U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. देन ए एंड डी ये प्रोडक्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेट्स के बिटवीन का जो वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट करेगा. और एनर्जी डेंसिटी हमें कैलकुलेट कर रहा है तो एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मीन्स इट इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी दैट इज एनर्जी डेंसिटी. U इक्वल्स टू ए डी. अब इस ए डी को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ से ए डी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो हमारे पास टर्म बनेगी U डिवाइडेड बाई ए डी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी U डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाई ए डी. ए डी कैंसिल, देन एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो ये कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी आ गई, कब, जब उसकी प्लेट्स के बिटवीन क्या हो, वैक्यूम हो या एयर हो. एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी अगर वहाँ पे हम क्या करें, डाइलेक्ट्रिक रखेंगे. अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स सेम ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करते हैं सब में चार्ज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है. फर्स्ट पे क्यू चार्ज है, सेकंड पे क्यू चार्ज है और थर्ड जो है उस पे भी क्या है, चार्ज क्यू है. बट ड्यू टू डिफरेंस इन कैपेसिटी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट. तो यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर पे वी वन पोटेंशियल, ऑन सेकेंड कैपेसिटर वी टू एंड ऑन थर्ड कैपेसिटर वी थ्री. Let Q be the charge given to a group of capacitors of capacitance C1, C2, C3 respectively connected in series with each other. Since they are in series, each will get charged with the charge Q. If Cs is the net capacity of the combination, combination का अगर equivalent capacitance Cs है तो उस केस में हमारे पास जो capacity आएगी इसकी 1 by Cs equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Total energy stored in the combination is given by Us equals to Q square by 2Cs. यहाँ हमने ये फॉर्मूला इसलिए लिया है कि we have Q remains constant on each capacitor. Each capacitor पे Q जो है वो constant है and Cs एक quantity जो है हमारे पास यहाँ पे variable है, तो हमने एक कांस्टेंट की टर्म में इसको लिया है. वी विल पुट वैल्यू ऑफ 1 बाई सी एस इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट यू एस इक्वल्स टू
क्यू स्क्वायर बाय टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर बाय टू को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, देन वी विल गेट यू एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी वन प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू सी टू प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू सी थ्री। क्यू स्क्वायर बाय टू सी वन इट इज यू वन एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, क्यू स्क्वायर बाय सी टू यू टू एनर्जी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड क्यू स्क्वायर बाय टू सी थ्री एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर। देन दीज क्वांटिटीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय यू वन यू टू एंड यू थ्री। देन टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, मीन्स टोटल एनर्जी जो आएगी वो क्या होगी, इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल रहेगी। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर कनेक्टेड विद द बैटरी डायरेक्टली, ईच कैपेसिटर जो है वो बैटरी और सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड देयर विल बी डिफरेंस इन चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर, डिफरेंट कैपेसिटर्स जो हैं उन पर क्या रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा। वेन थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटीज सी वन सी टू एंड सी थ्री रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे गेट चार्ज टू सेम पोटेंशियल वी। अब वो क्या होगा, वी सेम पोटेंशियल तक चार्ज होंगे। इफ सी पी इज द नेट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन देन सी पी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पे हम फिर वैसे ही यूज करेंगे फॉर्मूला को, जिसमें हमारे पास एक यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी वी है, तो हमें वी की टर्म में लेना है वी, और सेकंड हमारे पास क्या है यहाँ कैपेसिटेंस, एक कांस्टेंट क्वांटिटी पोटेंशियल और सेकंड कैपेसिटेंस, इनकी टर्म में फॉर्मूला लिखना है यू पी इक्वल्स टू हाफ सी पी वी स्क्वायर, सी पी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा यू पी इक्वल्स टू हाफ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री वी स्क्वायर। अब हाफ वी स्क्वायर को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट यू पी इक्वल्स टू हाफ सी वन वी स्क्वायर हाफ सी टू वी स्क्वायर प्लस हाफ सी थ्री वी स्क्वायर, वेयर हाफ सी वन वी स्क्वायर, सी वन फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, वी उस पर पोटेंशियल है, तो ये जो एनर्जी है ये किसकी होगी, फर्स्ट कैपेसिटर की होगी। हाफ सी वन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू वन एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, हाफ सी टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टू एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड कैपेसिटर एंड हाफ सी थ्री वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू थ्री एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर। देन हाफ सी वन वी स्क्वायर हाफ सी टू वी स्क्वायर एंड हाफ सी थ्री वी स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय यू वन यू टू एंड यू थ्री। आफ्टर दैट वी विल गेट यू पी इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, मीन्स देयर विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसमें भी क्या होगी, जो इंडिविजुअल हमारे पास एनर्जी होंगी उनके सम के इक्वल होगा। देयरफॉर नेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कंपोनेंट कैपेसिटर्स वट एवर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इट टू बी सीरीज पैरेलल और ग्रुपिंग। अगर हम किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन करें, प्योर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, या ग्रुपिंग है हमारे पास सीरीज और पैरेलल की, जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे जो एनर्जी होगी उसके डायरेक्टली सम के इक्वल रहेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।